3 दिनों के झारखंड प्रवास पर आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कमरे में आग लगने की खबर आ रही है। पलामू के सर्किट हाउस में उनके कमरे में टंगे पंखे से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। राजद सुप्रीमो सुरक्षित है। बताया गया कि जिस समय राजद सुप्रीमो के कमरे में आग लगी, वह राजद सुप्रीमो उस समय डाइनिंग हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। आग लगने की सूचना पर आनंद फानन में तुरंत सर्किट हाउस के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया। बिजली का कनेक्शन काटकर वहां स्थिति संभाली गई। बता दें कि राजद सुप्रीमो बीते दिन ही बिहार से झारखंड पहुंचे हैं। यहां वे पलामू की अदालत में उनके खिलाफ चल रहे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 8 जून को हाजिर होंगे। ये मामला चुनाव प्रचार के दौरान सभा स्थल पर बिना इजाजत के हेलीकॉप्टर उतारने का है। इस मामले में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो को हाजिर होने के लिए आखिरी नोटिस दिया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।